आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर या यूँ कहें कि हमारा जो पश्चिमी राजस्थान का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा इलाका कहा जाता है, इसमें यह प्रथम राजकीय हायर स्टडी सेंटर जो है उसका आगामी सत्र से हम प्रवेश प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर जो हमारी बातचीत है वो राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर में आगामी सत्र से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होकर यहाँ पे शिक्षण कार्य आरंभ हो जाएगा, इस हेतु हम सभी आपस में बैठे हैं। राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर के अंदर 5 ब्रांचेज में प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन 5 ब्रांचों में प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक ब्रांच में 60 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। कुल मिलाकर महाविद्यालय में 300 सीटों पर प्रवेश की अनुमति AICTE द्वारा जारी की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य एवं केंद्र सरकार की अनुपालना में सारी सीटें भरने पर 5% अतिरिक्त TFWS ट्यूशन फीस वेवर स्कीम के तहत कम फीस पर आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए 15 सीटें और मिलेगी। 300 का 5%, 15 सीट पे हमें और अतिरिक्त प्रवेश की परमिशन मिलेगी। प्रवेश प्रक्रिया राजस्थान की केंद्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया REAP रीप 2018 के द्वारा होगी। इसमें प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस के इन तीनों विषय के साथ उत्तीर्ण की है वे योग्य होंगे। वरीयता सूची JEE मेंस इसके प्राप्तांक एवं 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर रीप द्वारा जारी की जाएगी और उच्च वरीयता के अनुसार ऑप्शन फॉर्म के माध्यम से राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर में हेल्प डेस्क की स्थापना कल से की जाएगी, जिसमें क्षेत्र के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग कैरियर संबंधित तथा हमारे महाविद्यालय में प्रवेश हेतु असिस्टेंस उपलब्ध कराई जाएगी। तो क्षेत्र के सभी विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक महाविद्यालय में कल से कार्यालय दिवस और कार्यालय अवर्स में संपर्क करके प्रवेश कैसे लिया जाए ये जानकारी ले सकेंगे। संस्थान को और संस्थान के विद्यार्थियों को अधिकतम एक्सपोजर मिले इसके लिए इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट रिलेशनशिप पर कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ के विद्यार्थियों को इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एक्सपोजर और प्लेसमेंट के समुचित प्रबंध किए जाएंगे। वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं रहेगी। महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा 25 बीघा जमीन का आवंटन जोधपुर रोड पर किया जा चुका है, जिस पर भवन निर्माण हेतु PWD के साथ कार्य किया जा रहा है और नियत समय पर महाविद्यालय के खुद के भवन का निर्माण कर वहाँ पर आगामी काम किया जाएगा। तब तक राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में ही कॉलेज की कक्षाएं और कॉलेज का कार्यालय चलेगा। अभी हमारे पास में अस्थायी रूप से हमने स्टाफ लिया है, जबकि नियमित तथा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भर्ती प्रक्रिया के थ्रू शीघ्र ही लिया जाएगा। बालकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भी देश के हैं उनके साथ में हमारी रिलेशनशिप चल रही है, जिसके तहत अनुभवी प्रोफेसर्स को यहाँ पे छात्रों को पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नया महाविद्यालय होने के कारण यहाँ पे अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन नहीं मिले। बच्चों के लिए अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन विजिटिंग के आधार पर बाहर के इंस्टीट्यूट से भी होगा और यहाँ भी सबसे अच्छी श्रेष्ठ फैकल्टी उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, बाड़मेर में हमारे यहाँ केमिकल नहीं मिली है सर, हमारे लिए पेट्रोलियम मिली है। तो
तो आने वाले जो वर्ष हैं, जैसे जैसे हमने ये 5 ब्रांचेस जमा ली, उसके बाद के अंदर ये होगा कि हम फर्दर नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर पेट्रोकेमिकल और केमिकल इनके लिए भी अप्लाई करेंगे। पहले अभी जो हमारे को शुरुआत मिली है, क्योंकि ये मेरा मानना है कि शुरुआत में ही हमें 5 ब्रांचेस मिलना और जितना हमने मांगा वो सारा मिलना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पहले इसको हम अच्छे तरीके से मजबूत नींव के साथ जमाते हैं और उसके बाद के अंदर उन ब्रांचेस के लिए भी अपना पूरा प्रयास करें। ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन मैं मेरी ओर से प्रयास करके मैंने सरकार के समक्ष फाइल रख दी है और उस पर काम चालू कर दिया है। 10 मई को जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं हमारे, उनके लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्निंग काउंसिल होती है, BOG होती है। तो 10 मई को सबसे अच्छा सुखद पक्ष ये रहा कि हमारे महाविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो गई और 10 मई को वो बैठक हुई, जिसके अंदर मैं भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए पद स्वीकृत होते हुए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है राज्य सरकार ने। इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विशेष रूप से प्रयास किए हैं, मान्यता दिलवाने में भी और भर्ती प्रक्रिया के लिए भी।